बुरहानपुर वनों को संरक्षित करना हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी है। वन न केवल मानव सभ्यता के रक्षक हैं, अपितु यह वन्य प्राणियों व पर्यावरण के भी संरक्षक हैं। वन वर्षा कराने में सहायक होते हैं। वन भूमिगत जल स्तर में बढ़ोतरी, भूमि की उर्वरकता, औषधियां, स्वच्छ वातावरण बनाने में सहायक होते हैं। पौधारोपण एवं वनों के संरक्षण के प्रति प्रेरित करते हुए ये बात कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी सुश्री भव्या मित्तल ने ग्राम बाकड़ी के ग्रामीण जनों से कही। कलेक्टर ने हिदायत देते हुए कहा कि किसी भी शासकीय परिसंपत्ति एवं कर्मचारी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। 2005 के बाद के वनाधिकार पट्टों का पूर्ण सत्यापन किया जाएगा तथा अधिनियम के अनुसार ही नियमानुसार कार्यवाही होगी। विदित है कि आज कलेक्टर सुश्री भव्या मित्तल, पुलिस अधीक्षक राहुल कुमार लोढ़ा एवं वन मंडलाधिकारी विजय सिंह ने ग्राम बाकड़ी पहुंचकर ग्रामीणों से संवाद किया। उन्होंने ग्रामीणों को वन के रक्षक एवं नए पौधे लगाने का संकल्प के साथ शपथ भी दिलाई। प्रशासन ने भगवान हनुमान जी के छायाचित्र के सम्मुख ग्रामीणों से अपने दिल पर हाथ रखकर शपथ दिलाई कि ना ही हम वन काटेंगे, ना ही काटने देंगे, बाकड़ी में फिर से पौधे लगाएंगे और उनकी रक्षा करेंगे। हम किसी भी प्रकार की अतिक्रमण से लिप्त नहीं होंगे और किसी के भी बहकावे में नहीं आएंगे। हम किसी भी वनकर्मी, पुलिसकर्मी पर गोफन और तीर से हमला नहीं करेंगे। हम किसी भी शासकीय परिसंपत्ति पर हमला नहीं करेंगे, यही मेरा प्रण है। एसपी लोढ़ा ने ग्रामीणों से चर्चा करते हुए कहा कि आप सभी हम अपने क्षेत्र को संपन्न बनाने में सहयोग करें। उन्होंने समझाइश एवं हिदायत देते हुए कहा कि अतिक्रमण जैसी गतिविधियों में संलिप्तता न करें, न ही ऐसे मामलों में किसी का सहयोग करें। यदि कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार की संदिग्ध गतिविधियों, अतिक्रमण गतिविधियों में संलिप्त मिलता है तो उसके विरुद्ध नियमानुसार दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि क्षेत्र की सुरक्षा हेतु शासकीय अधिकारी कर्मचारी तत्पर हैं, किसी प्रकार की समस्या होने पर बताएं। आज हम ये कसम खाते हैं कि जोर से बोलिए, आज हम ये कसम खाते हैं कि बाकड़ी के सभी वन को वापस से लगाएंगे और उसकी सुरक्षा करेंगे हम किसी भी प्रकार की अतिक्रमण से लिप्त नहीं होंगे और किसी के भी बहकावे में नहीं आएंगे हम किसी भी नई नवार के ये पैसे नहीं जोड़ेंगे ना ही किसी को पैसे देंगे हम किसी भी वनकर्मी पुलिसकर्मी पर गोफन और तीर से हमला नहीं करेंगे हम किसी शासकीय परिसंपत्ति पर हमला नहीं करेंगे। यही मेरा प्राण है।